नमस्कार, मैं श्रेयोशी स्वागत करती हूँ आपका स्वदेशवाणी में। बरही थाना क्षेत्र के गोपलाडी गांव में बुधवार की देर शाम कई दबंगों ने एक न्यूज चैनल के वरिष्ठ पत्रकार मलिक अख्तर पर हत्या की नीयत से जानलेवा हमला किया। दरअसल क्षेत्र में इन माफियाओं की गुंडागर्दी से लोगों में इनका भय बना हुआ है और किसी भी मामले में लोग इनका नाम लेने से भी डरते हैं। इनके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है उन्हें इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है और जब पत्रकारों ने इन माफियाओं के खिलाफ अपनी कलम चलाई और इनका पर्दाफाश किया तो वह पत्रकारों पर हमला बोलने लगे। बरहेट के पत्रकार मलिक अख्तर एवं उनके परिवार वालों के साथ वीडियो में मारपीट करते हुए गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। इधर कल शाम हुई इस घटना के बाद से बरहेट में बिगड़ती सुरक्षा व्यवस्था को लेकर साहेबगंज जिला के सभी पत्रकारों में भारी आक्रोश है। मामले को लेकर बरहेट के पत्रकार ने इस घटना की निंदा की है, साथ ही पत्रकारों ने प्रशासन से मांग की है कि अपराधियों को जल्द चिन्हित कर उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए। उधर घटना की गंभीर रूप से घायल पत्रकार को ग्रामीणों की मदद से मरणासन्न अवस्था में शाम 7 बजे बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पत्रकार मलिक अख्तर की हालत अभी गंभीर हुई है और इसी गंभीर अवस्था में ही पत्रकार मलिक अख्तर ने लिखित आवेदन देकर माफियाओं के खिलाफ बरहेट थाना में इस घटना में शामिल लोगों के नाम से शिकायत की है। घटना कैसे हुआ? घटना क्या है कि हमको नहीं पता था, अचानक आकर के मेरे घर में आकर के हमला कर दिया पूरे परिवार को। ठीक है, तब हम थाना वाला को फोन किए और लेकर के गया। उन लोग अभी थाना में थे, हम अपना एप्लीकेशन दिए, उसके बाद उन लोग वहीं रह गया और हमको घर भेज दिया। घर आए हैं, घर ठीक उतरे हैं, उसका छोटा भाई इम्तियाज नाम है, वो आके पीछे से चक्कू में आकर के मारा मेरे। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन था? उसके अलावा तो बाकी उन लोग का एक शमशेर नाम है जो गया था हमला करने घर में, शमशेर नाम है, उसका बाप है अब्दुल रहमान है, उसका चाचा है कबतुल्ला रजाउल अंसारी, उसके बाद है आपका अख्तर अंसारी, ठीक है, अमजियत अंसारी, मतयूर अंसारी, मतलब का 8-10 को आदमी था वो लोग।